वालों जिस तरह लगातार हेट स्पीच जी है फैलाई जा रही है, जिस तरह राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी उन्होंने वालों की जा रही, तो एफ आई आर जी है हूँ दर्ज की गई है। दस दईए कि बीते दिन भी मल्लिकार्जुन खड़गे वालों एक पत्र जोड़ा है पीएम मोदी को लिखा गया सी और शिकायत जी है की गई सी कि जिस तरह राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ जी है हेट स्पीच उन्होंने वालों फैलाई गई है, तो कांग्रेस ने एफ आई आर जी है हूँ दर्ज करवाई है। कांग्रेस वालों एफआईआर दर्ज करवाई गई है दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने दे विच एफआईआर जी है दर्ज करवाई गई है। बिट्टू रवनीत बिट्टू समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिन्होंने वालों राहुल गांधी को धमकी दी गई, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजियां की गई, उन्होंने अत्तवादी भी जिहड़ा किया गया। रवनीत बिट्टू सने चार खिलाफ एफआईआर जी है दर्ज करवाई गई है। राहुल गांधी नूं धमकी देने का पूरा मामला है जिस दे विच हुण दिल्ली दे तुगलक रोड थाने दे विच एफआईआर दर्ज करवाई गई है। के ही सहयोगी दल ने उसके एक नेता ने विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अकलियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़ उसकी बात पसंद नहीं इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान की जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज़ हमारे नेता उठाते रहेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है, जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं, तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए आज हम लोगों ने यहां पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और चार लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होगी कि गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की आवाज़ बात पसंद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो अगर बात करते हैं तो उनको आप आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि FIR होगी और उससे भी ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
अपने नेताओं पे लगाम कसेगी। और साथ में ये भी फिर से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है इन धमकियों से। हम सब के सब लोग तैयार हैं अपनी जान को देने के लिए, और किसी भी तरीके से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और संविधान को बचाने की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने, कांग्रेस के वालों FIR जी दर्ज करवाई गई है, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने जान तो मारन दी धमकियां जी दिखाई जा रही ने, तो उत्थे ही अपमानजनक टिप्पणियां जीडिया ने लीडर ऑफ ओपोजिशन से की जा रही है। तो उस तो बाद हूँ कांग्रेस ने FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेस के समर्थकों के वालों, वर्करों के वालों साफ तौर पर कहना कि इस तरह की बयानबाजी जी लीडर ऑफ ओपोजिशन से बर्दाश्त जी नहीं की जाएगी। तो रवनीत बिटू समेत 4 होर से FIR जी दर्ज करवाई गई है। दिल्ली तुगलक रोड पुलिस थाने दे विच FIR जिहड़ी दर्ज करवाई गई है। ता साडे नाल भाजपा आगू हरजीत सिंह गरेवाल जुड़ चुके ने। गरेवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा लिविंग इन न्यूज़ ते। ता जिस तरह ये लगातार धमकियां का दौर भी वध रहा है, धमकियां दित्तियां जा रही ने शरेआम, और उसी दे विचाले हुण कांग्रेस दे वल्लों FIR दर्ज करवाई गई। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि असी इस तरह की जिहड़ी धमकियां ने बर्दाश्त नहीं करांगे, क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन इस तरह धमकियां दित्तियां जा रही ने। तुहाडा की प्रतिक्रम है इस ते? देखो, पहली गल तां इह है कि समाज के अंदर और लोकतंत्र के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि तेरे भी टुकड़े कर देंगे, उसनू चाहे वो मेरा अपना हो, चाहे बगाना हो, मैं उसनू अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए जहाँ कोई साधारण व्यक्ति भी हो, तो धमकियां दी हैं। पर राहुल जी ने भी अपनी मर्यादा बना के रखनी चाहिए है। अटल जी भी उस वेले नरसिम्हा राव की सरकार ने विरोधी धिर के नेता से UNO च भेजे से, कांग्रेस की सरकार से, राहुल जी की सरकार से। और राहुल जी ने जिस तरह किया उन्होंने उस तरह नहीं किया, उन्होंने जाके प्रधानमंत्री का पक्ष रखिया और अपनी सरकार का पक्ष रखिया, देश का पक्ष। जो वापस आए तो साड़ी पार्टी के भी कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि अटल जी, आप तो इतने इन्हों के विरोधी हैं, तुम इन्हों का पक्ष रख रहे हो। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं हुंदा, पूरे देश का, और ये सरकार जिहड़ी आ ये भी पूरे देश की है, देश भी साडा अपना, इस करके मैं पक्ष रखिया, इत्थे जिहड़ी विरोध करना होगा इत्थे करांगे। ते राहुल जी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है जो उन्होंने किया, मर्यादा का पालन नहीं किया। पर फिर भी उन्होंने धमकी देने का किसी का हक नहीं बनता। जे कोई धमकी दिता तो वह जो अपराध हैगा, जो सरकार के ज एजेंसियों के समझ आएगा, वो कार्रवाई अपनी करनगे। मैं उसते कोई किसी का पक्ष नहीं रहा और ना ही मैं इसनों अच्छा मानता कि साढ़े एक भाषा हो मर्यादा की भाषा हो। जे असी राहुल जी को कह रहे हैं कि मर्यादा का पालन करो तो सानू भी तो करना पेगा, जे असी नहीं करांगे असी उन्हां तो मंग करांगे, ये किदां हो जाएगा। इस करके मैं इस चीज़ के हक च नहीं, जो चल रहा डेमोक्रेसी च डेमोक्रेसी का साइन नहीं, ठीक है जी। लेकिन गरेवाल साहब, इतने सीधा सवाल भाजपा से उठ रहा है और कहा जा रहा है कि भाजपा को अपने आगुओं से लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की यह बयानबाजियां जी ने बीते समय के सामने आई हैं, चाहे वह कंगना रनौत हो और चाहे वह रवनीत बिटू हो, होर भी जोड़े आगू ने जिन्हों के वालों इस तरह दयानबाजियां की गई ने। यह हूँ जिन्होंने को डिसिपलिन है, जो पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने देखना है। मैं तो अपना मत पहला ही दे चुके हैं कि मैं इन्होंने चीज़ों के हक च नहीं है, किसी को भी कड़वे शब्द कहे जा, किसी को भी गैर मर्यादा भाषा कही जाए, मैं उसके हक च नहीं हूँगा, चाहे वह मेरा अपना हो चाहे बगाना हो। जी ठीक है, डेमोक्रेसी सानू यही आचरण करना पैंदा लोकतंत्र च, ठीक है ना जी। जी गरेवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं साडे नाल जुड़े। तो इत्थे राहुल गांधी नूं धमकी देण दे इस मामले दे विच हुण FIR जिहड़ी है दर्ज करवाई गई है। उधर भाजपा आगू हरजीत सिंह गरेवाल का भी साफ तौर पर कहना कि इस तरह धमकियां जिहड़ियां ने उन्हां दी सख्ती दे नाल उन्हां दे वल्लों भी विरोध जिहड़ा कीता गया, क्योंकि चाहे वह लीडर ऑफ ओपोजिशन होण या कोई भी सरकार दे नुमाइंदे होण या एक आम नागरिक होण, उन्हां नूं इस तरह जान तो मारन दीआं धमकियां देना सरासर एक हिंसा नूं बढ़ावा देना है। तो इस नूं लै के उन्हां दे वल्लों भी इस दी खेदी जी की गई है। दूजे पास कांग्रेस की जेकर गल की जाए तो उन्होंने वालों सवाल जोड़े ने BJP से ही चुके जा रहे हैं कि भाजपा की हाईकमान चाहिए कि अपने आगुआ अपने सांसदों इस तरह वर्जन इस तरह दिया टिप्पणियां कर रोकन, क्योंकि
जिस तरह वेख्या गया है बीते दिनों तो लगातार बयानबाजियां कीतियां गई और केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू दे वल्लों भी इस तरह उन्होंने उपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, आपत्तिजनक शब्द बोल जिहड़े ने उन्होंने खिलाफ बोले गए, जिसकी कड़े शब्दों के निंदा जिहड़ी है कांग्रेस दे वल्लों भी की जा रही है। तो उत्थे ही हुण सख्त ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਡ ਵਰਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਵੱਡੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਥੇਰਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਲੋ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਲੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਲੋ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋਂ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਗੋਆ 'ਚ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਪੁਲ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਉਲਟ ਕਰੂਗੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਗਾਰਡ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤੋਂ ਕਾ ਮੌਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਦਾਮ, ਕਦੇ ਡਾਇਨ, ਕਦੇ ਰੇਨਕੋਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਕੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੈਲੋ MP ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ MP ਨੇ ਟੈਰਿਸ ਕਿਹਾ ਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)A ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਮੀਨਿੰਗ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
जेडे बयान इन्होंने जारी किए है वो डेफामेटरी भी सके डेरोगेटरी भी सी डिमीनिंग भी सी ते लोगों के दिमाग च जहर भी भरया गया उन्होंने बयान करके। मैं तो कहूंगा कन्हैया रनौत से भी परचा दर्ज होना चाहिए है जिन्हें सिखा खालिस्तानी टैरिस्ट किया जिन्हें एमरजेंसी मूवी बना के सिखा की छवि खराब करने की कोशिश की थी परचा सुवेंदु अधिकारी से भी दर्ज होना चाहिए जिन्हें साढ़े सिख आई पी एस अफसर भरा खालिस्तानी परचा वो लोगों से भी दर्ज होना चाहिए जेडे साडा फंड रोकते हैं विचकरा करते हैं धक्का करते हैं तो बाद जी बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अशप्रीत जी तुसी साडे नाल जुड़े। तार राहुल गांधी नूं धमकी देने के मामले दे विच कांग्रेस दे वल्लों हुण FIR दर्ज करवाई गई है। तदर सांसद रवनीत बिटो खिलाफ PIL दायर की गई है। हिंदू सेना के प्रधान के वालों PIL दायर की गई है। सुरजीत यादव के वालों कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के इल्जाम जोड़े ने लगाए गए हैं। तो सांसद रवनीत बिटो के खिलाफ सख्त रवैया जोड़ा अपनाया जा रहा है। हिंदू सेना के प्रधान के वालों ये PIL दायर जी करवाई गई है और राहुल गांधी के उपर जिस तरह अपमानजनक टिप्पणियां उन्होंने वालों की गई से उस खिलाफ कार्रवाई की मांग जी की जा रही है। सुरजीत यादव के वालों कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो हिंदू सेना के प्रधान के वालों PIL दायर जी करवाई गई है सांसद रवनीत बिटू के खिलाफ। उधर दूजे पासे वेख्या गया सी कि कांग्रेस के वालों FIR भी जी है रवनीत बिटू ते चार होर दे खिलाफ जी दर्ज करवाई गई है क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह धमकियां का दौर जिहड़ा जारी रहा धमकियां दित्तियां जा रही ने जिस तरह उन्होंने अतवादी कहा जा रहा है ते अपमानजनक टिप्पणियां राहुल गांधी के खिलाफ लीडर ऑफ ओपोजिशन के खिलाफ की जा रही है ना तो उसके चलद ही हूँ PIL जी है दायर की गई है। सुरजीत यादव के वालों कार्रवाई की मांग जी है वह की जा रही है। तो सांसद रवनीत बिटू के खिलाफ तो साढ़े सहयोगी साहिल नरूला साढ़े नाल जुड़ चुके ने। साहिल जिस तरह वेख्या गया है कि कांग्रेस के वालों पहला FIR भी जी दर्ज करवाई गई है तो उधर हिंदू सेना के सुरजीत यादव के वालों PIL दायर करवाई गई है जी जानकारी जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शमीना जी अगर गल करिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL जी है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जी यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिटू है उन्होंने खिलाफ यह दाखिल हुई और जी PIL हैगी सुरजीत यादव जो कि हिंदू सेना के मुखी ने उन्होंने वालों ये जी पटिशन दाखिल की गई है। बीते दिन जिस तरीके रवनीत बिटू वालों जो बयान दिता गया खास करके यह गल आखी गई थी कि अतवाद में जरा कि बढ़ावा जरा राहुल गांधी या फिर सीधे तौर पर राहुल गांधी को अतवादी भी कह दिता गया उस बयान लैके सीधे तौर के उत्ते पटिशन जी है दिल्ली हाई कोर्ट के दाखिल हुई है। इस तो पहला कांग्रेस वालों एक FIR जी है वह रवनीत बिटू के खिलाफ दायर करवाई गई थी। उस तो बाद वही एक PIL जी है वो दिल्ली हाई कोर्ट के दाखिल हुई है और सीधे तौर के उ PIL के रवनीत सिंह बिटू के खिलाफ एक्शन लैन की जी मांग वह की गई है और क्योंकि सीधे तौर पर गल करिए जो ये बयान सामने आया कि ना कि राजनीतिक गलियारे भी काफी हलचल जी देखने को मिली थी जिन्हें भी कांग्रेसी आगू ने उन्होंने प्रतिक्रिया लगातार सामने आई थी फिर भावें प्रताप सिंह बाजवा की गल की जाए कांग्रेस प्रधान से सांसद राजा वड़िंग की गल की जाए सांसद जो सुखजिंदर रंधावा की गल की जाए सारे ने बयान कितने कितने लगातार सामने आए थे पर उस तो बाद यह वड्डा कितने कितने कह सकते हैं कि होर एक वड्डा कदम जरा कितने कितने यह इस वक्त चक्या गया और PIL जी हैगी है इस पूरे मामले को लेके दिल्ली हाई कोर्ट के विच दाखिल की गई है। शमीला सांसद रवनीत बिटू के खिलाफ इतने पटिशन जी है दायर करवाई गई है। उत्थे साढ़े नाल पटिशन करता सुरजीत यादव भी जुड़ चुके हैं। सुरजीत यादव जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा लिविंग इन न्यूज़ से। तो जानना चाहवांगे एक पासे इस तरह दी बयानबाजियां जिहड़ियां कीतियां गईयां लीडर ऑफ ओपोजिशन के खिलाफ उत्थे ही दूजे पासे कई भाजपा आगुआं का भी कहना है कि असी इसनू बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिंदे इस नाल हिंसा जिहड़ी है वो फैल रही है। तो थोड़े तो जानना चाहवांगे मैडम ऐसा है कि इनमें जिस हिसाब से बयान दे देते हैं वो आगे गलत होता है। जिस प्रकार से पहले भी एक हीरोइन है इनकी सांसद हैं उनने गलत बयान दिया था तो उस पे स्टेशन उस पे वो एयरपोर्ट पे उस पे थप्पड़बाजी हुई थी जी। तो किसी को भी आप पर्सनली कभी भी कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है जी। जिस प्रकार के राजनीतिक दल दूसरे नेताओं को आतंकवादी बोलते हैं कोई किसानों को आतंकवादी बोलता है ये गलत है। ये हमारे समाज का हिस्सा है हमारे समाज के नेता हैं एक तरीके से बोलने से
आगे तक इनके समर्थकों में और विपक्षी समर्थकों में झगड़ा भी हो सकता है। आज कांग्रेस वाले जलूस निकाल रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और हम भी ऐसी बातों का विरोध करते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सत्ता के लालच में किसी भी तरीके का गलत बयान ना, कोई किसानों को आतंकवादी बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, ये सब गलत है। राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं, संसद में बैठते हैं और एक आतंकवादी संसद के किसी बैठने वाले को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता जी, ये गलत है और इसका हम विरोध करते हैं जी। सुरजीत यादव जी, जेकर गल की जाए जिस तरह दिया बयानबाजी बीते टाइम तो ही भाजपा के आगुआ दे वल्लों सामने आ रही ने, तो कि तरह कि एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है देश का? देखिए मैडम, खाली बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी पहले बोली है, बीजेपी वाले भी बोले हैं, कंगना रानावत ने भी बोला है और बोला है जब भी उसने थप्पड़ खाया है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी, तो इनने जिस बात को बोल रहे हैं इसकी भी प्रतिक्रिया होगी जी। फिर वो एक की जगह चार जने मोदी जी को कुछ बोलेंगे, वो किसी नेता को शब्द बोलेंगे कांग्रेस वाले, पहले भी बोलते आए हैं, फिर बीजेपी वाले भी बोलेंगे और इसका नुकसान सारा जनता को होता है जी। हमारा जो राजनीतिक चरित्र है वो बहुत गिर चुका है, हमको जिस चीज पे बात करनी चाहिए वो नहीं करते, सवाल पूछने चाहिए, साफ सच्चे सवाल पूछने चाहिए जी। ये अपमानित करके ऐसे आरोप लगा के किसी को चोर, किसी को डाकू, किसी को पप्पू, किसी को आतंकवादी, ये बहुत गलत तरीके का एक प्रावधान हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसका हमने अपील की है हाईकोर्ट में कि आप इस पे एक्शन लीजिए, सरकार को बोलिए इस पे एक्शन ले और ऐसी बातें दूसरे खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत यादव जी, तुसी लिविंग इंडिया न्यूज़ दे नाल जुड़े। ता सांसद रवनीत बिट्टू दे खिलाफ पटीशन जिहड़ी है दायर करवाई गई है हिंदू सेना दे प्रधान सुरजीत यादव दे वल्लों, उन्हां दा साफ तौर ते कहना है कि इस तरीके दे नाल माहौल जिहड़ा है वह खराब हुंदा है, इस तरह इल्जामबाजियां जदों एक दूजे ते कीतियां जांदियां ने तां हर एक चीज़ दा प्रतिक्रम भी जिहड़ा दित्ता जाएगा जो कि हो सकदा उह भी इक अपमानजनक तरीके दे नाल ही कीता जावे, तां इस नूं लै के मंग जिहड़ी है उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है।